एक समय था जब पढ़ाई के लिए रीवा के स्टूडेंट्स को बड़े महानगरों में पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब एजुकेशन के मामले में रीवा की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब रीवा प्रदेश का एजुकेशन हब बनता जा रहा है। पिछले दिनों सीएम शिवराज के द्वारा रीवा के संस्कृत कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इससे रीवा को काफी फायदा होगा। महामृत्युंजय की नगरी रीवा का महत्व काशी और उज्जैन की तरह बढ़ेगा। विंध्य के संस्कृत के विद्वान बताते हैं कि रीवा काशी और उज्जैन के बाद विंध्य क्षेत्र और मध्य भारत और उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, और यहाँ का केंद्र काफी प्राचीन भी था। यहाँ ज्योतिष विद्या, आचार्य विद्या का काफी क्रेज रहा है। पूरे देश में यहाँ से निकले छात्र आज भी देश के प्रमुख मठ मंदिरों में पीठाधीश्वर, महंत व आचार्य जैसे पदों पर, बड़े पदों पर हैं। रीवा में वर्ष 1845 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना तत्कालीन बघेल शासकों के द्वारा कराई गई थी। इस विद्यालय को वर्ष 1955 में महाविद्यालय का स्वरूप मिला और इसका नाम संस्कृत महाविद्यालय, वेंकट संस्कृत महाविद्यालय रखा गया। अभी तक यह पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का रीवा में रोड शो हुआ है, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीवा को एक उपहार के स्वरूप विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाने की, जो कि रीवा के लिए निश्चित तौर पर ये उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी तक रीवा में एक संस्कृत महाविद्यालय पहले से संचालित है बहुत वर्षों से। मुझे लगता है 1984 के आसपास, 80-84 के आसपास से संचालित हो रहा है। दूसरा महाविद्यालय जो मेरी जानकारी में है, ये खजूरी ताल है यहाँ पर, वो सतना जिले में आता है, वो भी संस्कृत महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। आज जितने भी संस्कृत महाविद्यालय हैं, ये सभी पाणिनि विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चे को अगर कोई काम होता है तो उसको उज्जैन जाना पड़ता है। और अब रीवा में विश्वविद्यालय की घोषणा और संचालन हो जाने के पश्चात इन बच्चों की समस्याएं रीवा में सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। उनकी उनकी समस्याओं का निदान रीवा में ही संभव हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर ये रीवा के विकास में एक और मील का पत्थर होगा। बाकी तो सभी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं यहाँ पर, संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं था, वो घोषणा हो जाना यहाँ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं और रीवा की जनता उनका आभार मान। निश्चित तौर पर बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे संस्कृत, और उसमें UGC लेकर के PG के भी कोर्सेज संचालित होंगे, तो उससे रोज़गार भी बढ़ेगा और स्वरोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि ये संस्कृत का जो है, यहाँ पर जो आचार्य और निकलते हैं वो अपना स्वरोजगार भी, पूजा पाठ के माध्यम से स्वरोजगार भी उनका बढ़ता है, और वो शैक्षणिक जगत से लेकर के बाकी जगह के लिए उनकी संभावनाएं खुली रहती हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।